सब्सक्राइब करें मेरे चैनल एसएमआर को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट वीडियो सबसे तेज पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एसएमआर में आपका स्वागत है। ये वीडियो जो आज की बनी हुई है स्कूटी को रिस्टोरेशन के ऊपर बनी हुई है। मेरी जो ये स्कूटर है पिछले 2-3 साल से खड़ी थी, मैं यूज़ नहीं कर रहा था। एविएटर मॉडल है, तकरीबन 7 साल पुरानी गाड़ी है ये, और ये सिर्फ आज तक 10,000 किलोमीटर लगभग चली हुई थी। तो रखे रखे ये पूरी रस्ट खा गई और डेंट हो गई थी गिरने के कारण, तो काफ़ी डैमेज स्थिति में पहुंच गई थी। तो ये आप देख सकते हैं मीटर में 10,000 समथिंग रीडिंग है। इसकी स्थिति ये है कि ये पूरी तरह से अंदर से रस्ट खा चुकी है, हर जगह डेंट है, कुछ प्रॉब्लम्स है। तो मैंने सोचा कि इसको पूरी तरह से नई करा दिया। जो पिछला चक्का है वो पूरी तरह से घिस चुका है, रिम भी ख़राब हो चुका है, कहीं कहीं बॉडी क्रैक हो चुकी है। तो इस स्कूटी को हम A to Z पूरी नई जैसी करवाएंगे, और इसमें कितना लागत लगेगी, क्या इन्वेस्टमेंट है, कितना टाइम लगा है मेरा, ये सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको दूंगा, तो आखिरी तक देखते रहें। सॉरी दोस्तों, बीच की वीडियो कहीं मुझसे डिलीट हो गई, तो मैं आपको सीधे फाइनल आउटपुट में पूरी जानकारी देता हूं। ये गाड़ी पेंट होके मेरे पास आ चुकी है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला होता है डेंटिंग कराना। डेंटिंग में मैंने इसमें दिया है 750 रुपये, पेंटिंग वाले को मैंने दिया 3,500 रुपीज़, और 500 रुपये गाड़ी को असेंबल करने वाले ने लिया। इसके अंदर जो सामान लगा है, पिछला बम्पर और अगला बम्पर टूट गया था। पिछला बम्पर लगाने में 320 रुपये का लगा है, अगला बम्पर 250 रुपये का लगा है। साथ में पिछले बम्पर में रिफ्लेक्टर नहीं लगा होता है, तो वो 30 रुपये का मैंने रिफ्लेक्टर भी लगवाया है। सीट कवर जो है वो 140 रुपये की है इसके अंदर, और एक्सलेटर 90 रुपीज़ की है। एक्सलेटर वायर है जो 150 रुपये के लमसम है। स्पीडोमीटर वायर है 160-170 रुपये के लमसम में। ब्रेक वायर है 200 रुपये के लमसम में। तो दोनों इसमें 3 ब्रेक वायर लगते हैं कम्बो होने के कारण। तो ये टोटल इन्वेस्टमेंट लगभग 8,500 रुपये तक का पड़ा है। 8,500 रुपये में ये गाड़ी बिल्कुल न्यू मैंने करा दी है। इस तरह की गाड़ी को अगर आप पेंट करा रहे हैं तो अच्छे पेंटर से ही पेंट कराएं, तो ही लुक आता है, अदरवाइज स्पॉट बन जाते हैं कहीं कहीं। एविएटर का जो ये लोगो है, ये 180 रुपये का मोनोग्राम होता है, ये भी एक्स्ट्रा मैंने लेके इस पर फिटिंग करा दिया है। तो ये पूरी गाड़ी जो है 8,500 में बन के तैयार हुई। पेंटिंग के लिए मैंने जो चीज़ करवाई थी सबसे इम्पॉर्टेंट था वो कलर। कलर के लिए मैंने वाइट टोन तो लिया था, मगर स्पार्कल के साथ रखा था, जिससे कि रोशनी पड़ने में थोड़ा साइन ज़्यादा आए। आपको ये कलर कैसा लगा, ये कलर कॉम्बिनेशन कैसा लगा ब्लैक और वाइट का, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आउटपुट कैसी आई है गाड़ी की ये भी ज़रूर बताएं। इस तरह का गाड़ी अगर आप पेंट या वर्क कराना चाहते हैं, तो आपको मैंने अंदाज़ा दे दिया है कितने का सामान और क्या क्या कितने में लग जाता है, आप अपनी गाड़ी को भी करवा सकते हो। इसका पिछला टायर ख़राब हो चुका था, तो मैंने नया टायर भी दलवाया जो लगभग 1,000 रुपये का है, C8 का है, ट्यूबलेस है। साथ में मैंने रिम भी नया दलवा दिया, अगले टायर को मैंने चेंज नहीं कराया है। साथ में फुट पैड पे जो रबड़ मैट लगती है वो 90 रुपये की एक्स्ट्रा पड़ी है। बाकी मैंने कोई चीज़ें नहीं चेंज की, बैक रेस्ट है या कोई भी चीज़ मैंने चेंज नहीं कराई, वो पुरानी ही लगी है और पेंट होके। अब सबसे ज़रूरी बात, इसमें समय कितना लगा। 1 हफ्ता पेंटर ने लिया, 1 दिन डेंटर ने लिया, यानी 8 दिन लगा डेंटिंग और पेंटिंग होने में। असेंबल होने में गाड़ी को 1 दिन लगा है, तो तकरीबन 9 दिन लगे इस पूरी गाड़ी को तैयार करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।